राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बुध का मजबूत करने के लिए, बुध को मजबूत बनाने के लिए आपको कुछ ऐसे उपाय देने वाली हूँ जिसे करने से आपका कुंडली का बुध ग्रह मजबूत हो जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु कल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, एक लकी अंक देने वाली हूं। वीडियो शुरू करूं दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी, आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल बटन को ऑल पर, जिससे मेरे प्रतिदिन के वीडियो समय से आपको मिलते रहे। दोस्तों, आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, बुध ग्रह जिसे कि ज्योतिष शास्त्र में राजकुमार की संज्ञा दी गई है, कोमल ग्रह है, राजकुमार ग्रह की संज्ञा दी गई। ये जिस भी ग्रह में बैठ जाता है, जिस भी युति में बैठ जाता है, ये उसी के समान फल देना शुरू कर देता है। बुध जब केतु के साथ में होता है तो ये जड़ योग, राहु के साथ में होता है तो जड़ योग बना देता है, और केतु में के साथ में होता है तो ये मंगल जैसा प्रभाव देने लगता है। दोस्तों, ये हमें राहु के साथ में होता है तो हमारी बुद्धि को पूरी तरह से काम नहीं करने देता है, सोचने समझने की क्षमता को खत्म कर देता है। आदमी सोचना चाहता है लेकिन सोच नहीं पाता है, उसे व्यवसाय करने में, पढ़ाई में, बच्चे अगर बच्चे की कुंडली में लगा तो उसे पढ़ाई में भी बहुत स्लो लर्नर होता है, उसे बहुत चीजें जल्दी से याद नहीं होती हैं, याद भी हो जाती तो जल्दी से भूल भी जाता है, पढ़ा हुआ लिखा हुआ भी याद नहीं होता है, व्यापार भी वो अच्छे से नहीं कर पाता है बुध के पीड़ित होने से। दोस्तों, और अगर वो केतु के साथ में हो जाता है बुध, तो ये आपको स्किन प्रॉब्लम देने लगता है, तरह तरह से आपको स्किन प्रॉब्लम होती है, कभी सफेद दाग हो सकते हैं, आपको सोराइसिस हो सकती है, जगह जगह चकत्ते का निशान हो सकता है, दांतों में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको एक छोटा सा उपाय करना है दोस्तों। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको एक मुट्ठी हरा मूंग लेना है। आपको ये प्रयोग आपको 41 दिन लगातार करना है। एक मुट्ठी आपको हरा मूंग लेना है, रात में सोते समय इसको एक आप कटोरी में डाल दीजिए, थोड़ा सा पानी डालिए और चुटकी भर बिल्कुल जरा सा आपको इसमें फिटकरी पाउडर डालना है। इसको आप भिगोकर रात में अपने सिरहाने ही रख लीजिए, सुबह उठकर आपको इसको पक्षियों को डालना है, और ये प्रयोग 41 दिन लगातार करना है, बीच में छूटना नहीं चाहिए। क्योंकि दोस्तों, कोई भी प्रयोग होता है उसकी एक अवधि होती है, वो पूरी अवधि में अगर बीच में टूट जाता है तो ये खंडित हो जाता है, फिर इसका प्रभाव आपको नहीं मिलता है। ये प्रयोग करते समय दोस्तों आपको पॉजिटिव होना है, यानी आपको मन में ये विचार करना है, आपको इस प्रयोग से अब आपका बुध ठीक हो रहा है और आपको इससे लाभ मिल रहा है। आप होगा कि नहीं होगा, किंतु परंतु लगाते हैं तो प्रयोग विफल हो जाते हैं। दोस्तों, पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप छोटा सा भी प्रयोग करते हैं तो वो आपको फायदा पहुंचाने लगता है। तो 41 दिन लगातार आपको ये मूंग भिगोनी है, एक मुट्ठी मूंग, आप एक मुट्ठी इस तरह से भर के लीजिए, उसमें चुटकी भर फिटकरी पाउडर डालिए और इसको सिरहाने रख लीजिए, सुबह उठकर इसको पक्षियों को डालना शुरू कर दीजिए। आपको धीरे धीरे आपके बुध में जो राहु का प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा और आपकी बुद्धि भी ठीक से काम करने लगेगी, आपको सोचने समझने की आपकी क्षमता बढ़ जाएगी, बुध आपका शुभ होना शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों, मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर, इन्हें कोई भी कर सकता है, 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग। ना तो इसमें आपको अपनी राशि देखने की आवश्यकता होती है, ना ही अपना लग्न देखने की जरूरत होती है। ये आपके चंद्रमा को मजबूत करते हैं, आपके भाग्य को साथ दिलाते हैं। दोस्तों, ये एक दो दिन में नहीं होता है, आपको इसको लगातार करना होता है और नियमित करना होता है, और नियमित करने के साथ में आपको ये सोचना होता है कि ये आपको लाभ पहुंचा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके कैसे आपके झटपट काम बनना शुरू हो जाते हैं। आप इन्हें करते रहिए, इनके बारे में कुछ मत सोचिए, बस करना शुरू कर दीजिए बिना किसी मन में संशय लाए। आप खुद से देखेंगे कुछ दिनों बाद आपके कितने चेंजेस आपकी लाइफ में होने लगे हैं, आपको लंबे समय में इनके आपको लाभ दिखाई देने लगेंगे। दोस्तों, 10 नवंबर 2021 दिन बुधवार, आज का राहु काल है दोपहर में 12:04 से 1:34 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। आज दोस्तों अभिजीत मुहूर्त का कोई समय नहीं है। आज की अमृत की बूंद में आपको एक हरी इलायची अपने इष्ट को अर्पित कीजिए, इसका सेवन कर लीजिए, साथ में आपको एक हल्दी का टीका भी अपने मस्तक पर जरूर लगाना है। आज का जो दोस्तों जादुई अक्षर है हनुमान वाला हा, इस हा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए, 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए, दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा।
मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं उस स्थिति में छोटी सी सफेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लेकर फोल्ड करके अपने पास रखिए, तो ये अंक आपको शुभता प्रदान करता रहेगा, शब्द आपको शुभता प्रदान करता रहेगा। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों लेफ्ट हैंड माता माँ लक्ष्मी का हाथ होता है, या हम जो भी लिखते हैं वो हमें पॉजिटिव होता है और हमारी ऑरा में उतर जाता है, तो लेफ्ट हैंड का यूज इसीलिए बताया जाता है। आप जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका यह वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे महिला पुरुष जो जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी वो इस प्रयोग को करेंगे। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक इस अंक को लेकर अपने पास रख सकता है। आज का लकी अंक है, व्हाइट कलर के पेपर पर चौकोर छिट लीजिए, वन नंबर लिखिए, फोल्ड करके अपने पास रखिए, तो ये अंक आपको शुभता प्रदान करता रहेगा। इसके साथ ही दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट में जय माता दी राधे राधे अवश्य लिखिए। आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, स्क्रीन पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, 8077506510, इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज के द्वारा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ये सुविधा मेरी पेड है, यहाँ आपको फीस देनी होती है। इसके अलावा दोस्तों किसी सब्जेक्ट पर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, अपना कोई क्वेश्चन के बारे में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम, अपना बर्थ प्लेस और अपना एक ही क्वेश्चन, रैंडमली सिलेक्ट होने पर आपको इस क्वेश्चन का आपको आंसर जरूर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मैं प्रतिदिन दो वीडियो डाल रही हूँ, आप मेरे दोनों ही वीडियोस देखिए, दोनों ही वीडियो से आप लाभ उठाइए। धन्यवाद।